हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन बिहियाँ चौरस्ता इन ऑनलाइन क्लासेस। विश्व भारती बिहियाँ चौरस्ता के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। टुडे आई शैल फोकस ऑन रोमन नंबर्स। आज मैं रोमन अंकन पद्धति के विषय में बताऊंगा। हमारे यहाँ मुख्यतः हिंदू अरबिक नंबर्स और रोमन नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। हिंदू अरबिक नंबर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 का प्रयोग किया जाता है। रोमन नंबर्स में अल्फ़ाबेट के 7 अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आई वी एक्स एल सी डी एंड एम का प्रयोग रोमन नंबर्स में होता है। अब आई क्या डिनोट करता है, एल क्या डिनोट करता है, एक्स क्या डिनोट करता है, वी क्या डिनोट करता है, इसके बारे में हम बताएंगे। आई वन को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, भी 5 को लिखने के लिए, एक्स 10 को, एल 50, सी 100, डी 500 और एम का प्रयोग हम रोमन नंबर्स में 1000 लिखने के लिए करते हैं। अब किन लेटर का प्रयोग हम मैक्सिमम कितने बार कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। आई का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 3 लिखना है, 3 लिखना है तो 3 टाइम्स आई लिखेंगे, 30 लिखना है तो 3 टाइम्स एक्स लिखेंगे, 300 लिखना है तो 3 टाइम्स सी लिखेंगे। अब बाकी सब का प्रयोग एक एक बार होता है। किस किस लेटर का प्रयोग कितने मतलब एक बार होता है, वो भी है, एल है और डी है। इसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हेन ए स्मॉलर रोमन नंबर्स इज रिटेन टू लेफ्ट। जब स्मॉलर रोमन नंबर्स किसी ग्रेटर रोमन नंबर्स के पहले लिखा हो तो उसका क्या अर्थ होता है। जैसे 4 के लिए हम आई भी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि भी से भी 5 के लिए लिखते हैं तो 5 में से 1 को माइनस कर दिया, 4 हो गया, ठीक है। XL यानी 50 माइनस 10, ये जो लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है वो माइनस हो जाता है, तो 50 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 40। इसी तरह से XC 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। अब नेक्स्ट है, व्हेन ए स्मॉलर रोमन नंबरल इज रिटेन टू राइट। जब ग्रेटर रोमन नंबरल्स के बाद में कोई स्मॉलर रोमन नंबरल्स लिखा हो तो उसका क्या अर्थ होता है। जैसे 6 लिखना है, ये देखो ये राइट साइड में आई लिखा है, भी के बाद आई है तो इसका मतलब हुआ वो प्लस हो जाता है, यानी 5 + 1 = 6। एल 50 के लिए होता है और एक्स 10 प्लस 10 कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। और जैसे 700 लिखना है तो 500 डी से 500 होता है और दो बार सी लिखेंगे। राइट साइड में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही यूज करेंगे, किसी भी नंबर्स का 3 बार ही यूज करेंगे। जैसे 80 लिखना है, 80 लिखना है तो L 50 के लिए L लिखेंगे और उसमें 10 + 10 + 10 करेंगे तो 80 हो जाता है। वही 90 लिखना है तो 4 बार तो हम प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए नेक्स्ट ग्रेटर में से यानी 100 में से C में से 10 को माइनस कर देंगे, यानी X पहले लिख देंगे और C बाद में लिखेंगे तो 100 में से 10 माइनस होकर के वो 90 हो जाता है। रोमन नंबर्स में 0 के लिए कोई सिंबल नहीं होता है, कोई भी लेटर वगैरह
या सिंबल संकेत नहीं लिखते हैं। स्मॉलर रोमन नंबर्स इज रिटन टू राइट ओनली थ्री टाइम्स, जो अभी मैं बताया कि रोमन नंबर्स का प्रयोग राइट साइड में मैक्सिमम हम थ्री टाइम्स कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं। यही आज का रोमन नंबर्स में टॉपिक रहा। नेक्स्ट अब सेल्फ प्रैक्टिस में आगे जो टू या थ्री चैप्टर दिया गया है उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, जिसमें इसी पर आधारित सब क्वेश्चंस रहेंगे उसको करना होगा। मोर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।